नमस्कार दोस्तों, द स्पीड अनुराग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम इंग्लिश की जो सीरीज हमारी चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आज सेकंड पार्ट पे पहुंचे हैं। कल हमने ये बता दिया था कि जो नाउन और प्रोनाउन का चेंज होता है वो 123 बटे सन के अनुसार होता है। अब जैसे 123 बटे सन के अनुसार तो होता है, ये तो हमको पता है, लेकिन अब चेंज कैसे करेंगे पहले ये समझ लीजिए। एक चीज और जानिए कि हमने बताया था कि दो चीज रहती है, एक रिपोर्टिंग स्पीच रहती है और एक रिपोर्टेड स्पीच रहता है। रिपोर्टेड स्पीच दो चीज रहती है। रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी रहेगी, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगी तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस नहीं बदलता है। ये जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में सेम उसे हमारा लिख लिया जाएगा, लेकिन उसका नाउन और प्रोनाउन जरूर चेंज होगा। तो देखिए कैसे, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ही सेज कामा इनवर्टेड कामा आई एम बिजी, ठीक, इसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेज कामा इनवर्टेड कामा आई एम बिजी, तो अब हमने कहा कि ही सेज उसने कहा कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। तो देखिए ही है ही, सेज है सेज, लिख लेंगे। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर साधारण वाक्य है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। ही सेज कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे आई लिखा है और हमने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई और वी, ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हमको फर्स्ट पर्सन बदलना है। तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ आई है, तो अगर आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है इसीलिए हम किसके पास जाएंगे? सब्जेक्ट के पास जाएंगे। अगर यहाँ पे आई और वी छोड़ के यू होता, अगर यू का मतलब सेकेंड पर्सन होता, अगर सेकेंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के पास जाते, और अगर ही सी इट थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन होता तो सेम टू सेम वही चीज लिख लेते। तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे ही है, तो आई जो है ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद आई में लिखा है तो चूंकि ही के साथ कॉम्प आता है, इज आता है, तो ही इज बिजी, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो देखिए टेंस नहीं बदलेगा, जो टेंस ये रहेगा, ये भी देखिए आई एम लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और ये भी इज आर आई एम का ही है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो उसका जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। जैसे ही सेज, आगे अगला वाक्य है यू से कामा इनवर्टेड कामा आई एम प्लेइंग, यू से कामा इनवर्टेड कामा आई एम प्लेइंग। अब देखिए यू से इसको लिख लीजिए, यू से अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम प्लेइंग, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है, तो यू और इज आर आई, तो यू के साथ आर लगेगा और प्लेइंग, ये हो जाएगा हमारा आगे। जैसे अगला देखिए लिखा है ही सेज कामा इनवर्टेड कामा आई लाइक दिस बुक। अब देखिए इसको सबको हमको चेंज करना है। हमने बताया कि अगर जो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो है टेंस नहीं बदलेगा, ठीक। बाकी सारी चीज 123 बटे सन के अनुसार बदल जाएगी। जैसे पहला है ही सेज कामा इनवर्टेड कामा आई लाइक दिस बुक, तो ही सेज कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है इसीलिए ही के पास जाएंगे, तो ही यानी कि आगे क्या हो जाएगा, ही और लाइक, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए ही लाइक्स दिस बुक।
आप कभी कभी जो है दिस को यानी कि निकटवर्ती को दूरवर्ती में बदल देते हैं, तो जो दिस बुक है ये दिस बुक ना होकर के क्या हो जाएगी, दैट बुक हो जाएगी। जैसे द टीचर विल से आई एम गोइंग टू यू ए टेस्ट, तो देखिए द टीचर विल से काम हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन यानी कि द टीचर के अनुसार, तो द टीचर यानी कि क्या हो जाएगा इसका ही, फिर इज गोइंग टू गिव, फिर देखिए यू, यू मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो बदलेगा हमारा ये किसके अनुसार बदलेगा, जो यहां पे रहेगा, यहां पे देखिए द टीचर विल से, टीचर ने कहा किससे कहेगा टीचर, तो बच्चों से कहेगा, इसीलिए गिव देम ए टेस्ट। आपको समझ में आया होगा कि ये हम यू को देम में कैसे बदल दिए, तो चूंकि यू हमारा सेकेंड पर्सन है यहां पे, तो बच्चों के लिए कहना, चूंकि कई बच्चे हैं इसीलिए दे, तो इसीलिए यहां पे क्या कर दिए हम, देम कर दिए। फिर आगे देखिए लिखा है He says, comma unit comma, I am going to Mumbai. तो he says that I first person, यानी कि he और is are am रहेगा ही, तो he is going to Mumbai. ठीक, आगे देखिए last, he says I am pretty. तो he यानी she says कामन यूनिट का हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, आई एम प्रीटी, तो आई फर्स्ट पर्सन है यानी सी के अनुसार बदलेगा, तो दैट सी इज प्रीटी। ठीक, ये चीज। अगला जो है ये तो था हमारा कि जब पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब यही सेज, तो ये तो था कि जब इसमें रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब कैसे बदलेंगे ये कल हम अगले अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि जब जो है इसमें ऑब्जेक्ट भी साथ में रहे, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तब कैसे करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।